नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया टेक। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दो व्हाट्सअप, दो फेसबुक, दो ईमो यानी जितने भी ऐप होते हैं वो डबल कैसे चलाएं एक ही फ़ोन में। तो दोस्तों, इसके लिए देखते रहिए वीडियो और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। तो हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर। दोस्तों, प्ले स्टोर में आने के बाद हमें यहाँ एक ऐप सर्च करना होगा जिसका नाम है पैरेलल स्पेस, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है ये पैरेलल स्पेस मल्टी अकाउंट्स, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन पर है, इसका लोगो देख लीजिए, नाम देख लीजिए और ये इसका लोगो। तो दोस्तों, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग हो रही है। दोस्तों, जब तक ये इंस्टॉल हो मैं आपको कुछ, दोस्तों मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए रोज़ टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहूँगा जो बहुत ही यूजफुल होंगे, इजी तरीके से बताऊँगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और आपका अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप यानी किसी की किसी भी ऐप के बारे में जानकारी चाहते हो या किसी भी मोबाइल से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अपना ऐप इंस्टॉल हो गया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से सीधा क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देख, चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे नीचे। दोस्तों, वहाँ स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमारे सभी ऐप हमें मिल जाएंगे, जैसे हमें किसके क्लोन बनाने हैं, जैसे फेसबुक दो चाहिए मुझे, व्हाट्सअप दो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जीमेल भी नहीं चाहिए, और ये यूट्यूब भी दो नहीं चाहिए, ये क्रोम भी नहीं चाहिए। अब जैसे मेरे पास ईमो नहीं है, वरना यहाँ ईमो का भी आ जाता, तो ये मुझे डबल चाहिए। तो इन पे मैं मार्क करके और ऐड टू पैरेलल स्पेस पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे दोनों ऐप यहाँ आ गए हैं। अब इसमें अपने न्यू नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप खोल के रजिस्टर करके बताता हूँ। तो देखिए, अपना व्हाट्सएप आ गया है यहाँ। एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं और यहाँ अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और नेक्स्ट कर देंगे। अब एक नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, ये दूसरा नंबर है जिस पे मैं फिर से बनाना चाहता हूँ यानी। अब ये वन टाइम पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, ये वन टाइम पासवर्ड आएंगे। दोस्तों, ये तैयार हो गया और अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। देखिए, अपना अकाउंट चालू हो गया, ये पहले से अकाउंट बनाया हुआ था इसलिए ये एक नंबर और ये ग्रुप ज्वाइन है उसमें। इसमें व्हाट्सएप रजिस्टर किया, इसी प्रकार फेसबुक भी होता है, जैसे हम यानी उस ऐप पे सीधा रजिस्टर करते हैं उसी प्रकार इसमें होता, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है देखते हैं, और इससे स्पेस में कोई यानी कमी नहीं होती है, जितना ये पैरेलल स्पेस ये ऐप स्पेस था उतना ही रोकता है, अदरवाइज व्हाट्सअप नहीं रोकेगा। अगर हमारे फाइल में कोई मीडिया इमेज वगैरह होंगे वो तो स्पेस रोकेंगे,
ऐसे भी जैसे व्हाट्सएप लगभग 20-22 MB का है, वो स्पेस अब ये नहीं रोकेगा, फेसबुक भी नहीं रोकेगा, तो स्पेस में भी बचत होती है और डबल भी चल जाते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर, तो धन्यवाद।